गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट, आज हम नैतिक शिक्षा का पार्ट 5 का भाग नंबर 4 आज हम पढ़ेंगे और पृष्ठ हमने खोलना है 21 यानी 21. बच्चों ये देखिए पृष्ठ नंबर 21, इस पे क्या है, अभ्यास यानी कि प्रश्न पूछे गए हैं. और बच्चों मैम ने ये प्रश्न भी लिखे हैं और साथ में इनके उत्तर भी लिखे हैं. मैम आपको कॉपी में से पढ़ाएगी और आपने ये पार्ट 5 का क्या नाम है, ईश्वर कहाँ है, इसके ऐसे ही प्रश्न भी लिखने हैं और साथ में उत्तर भी. अब हम प्रश्न नंबर 1 पढ़ेंगे. पुत्र ने पिता से क्या प्रश्न पूछा? उत्तर है, पुत्र ने पिता से पूछा कि ईश्वर कहाँ है और कैसा है. बच्चों आंसर देते टाइम पहले जो क्वेश्चन होता है उसको लिखते हैं. पुत्र ने पिता से पूछा कि ईश्वर कहाँ है और कैसा है. प्रश्न नंबर 2, पुत्र को समझाने के लिए पिता ने क्या किया? फिर क्वेश्चन मार्क भी लगाना है आपने. उत्तर नंबर 2, पुत्र को समझाने के लिए पिता ने एक मुट्ठी नमक पानी में मिला दिया. प्रश्न नंबर 3, पानी में नमक मिलाकर पिता ने पुत्र को क्या कहा? उत्तर, पानी में नमक मिलाकर पिता ने पुत्र से पूछा नमक कहाँ है. प्रश्न नंबर 4, परमात्मा को किस आंख से कहाँ देखा जा सकता है? उत्तर, परमात्मा को अंदर की आंख से अपने अंदर देखा जाता है. जब उसके अंदर दर्शन हो जाते हैं तो फिर सब जगह वह ही वह दिखाई देता है. प्रश्न नंबर 5, दही से घी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उत्तर है, दही से घी निकालने के लिए दही को मथना पड़ता है. प्रश्न नंबर 6, तिलों से तेल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? उत्तर है, तिलों से तेल निकालने के लिए तिलों को पीलना पड़ता है. प्रश्न नंबर 7, योग साधना किस लिए की जाती है? परमात्मा को जानने और महसूस करने के लिए योग साधना की जाती है. प्रश्न नंबर 8, इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए क्योंकि परमात्मा हमें देख रहा है. बच्चों आपने ये सभी प्रश्नों को, ये 8 प्रश्न हैं, आपने किताब में से देख के ये लिखने हैं और मैम ने वीडियो में आपको आंसर भी शेयर कर दिए हैं. ऐसे ही सुंदर सुंदर राइटिंग में आपने आंसर भी, उत्तर भी इनके लिखने हैं. और मैम को अपनी कॉपी, जब मैम अब आपसे लाइव सेशन में बात करेगी तो आपने बताना है कि आपने लिख लिए हैं. बच्चों काम जरूर करना है ये भी. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.